بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear students, I am Abdul Qayyum from FEI Naugam. Welcome to all of you in the online class of FEI. Dear students, आज इस chapter का यानी जो gravitation है, ये chapter belong करता है आपकी physics बुक के साथ। इस चैप्टर का यानी ग्रेविटेशन का आज ये लेक्चर नंबर 1 है, फर्स्ट लेक्चर है इस चैप्टर का आज। तो इस चैप्टर में हमें, इस लेक्चर में हमें डिस्कस करना है कि ग्रेविटेशन क्या होती है, या ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, ग्रेविटी क्या होती है, और जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो क्या होता है। तो वही हम इस लेक्चर में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम देखते हैं इस इंट्रोडक्शन में आपको देना चाहता हूँ पहले कि आपने ये पढ़ा वर्क एनर्जी एंड पावर में कि जब तक एक ऑब्जेक्ट पे, जब तक एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो बॉडी मोशन में नहीं आती है। सो फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ ए बॉडी। फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द पोजिशन ऑफ ए बॉडी। जब तक फोर्स एक बॉडी पे अप्लाई नहीं हो जाएगा तब तक एक बॉडी मूव नहीं करेगी। तो ये भी आपको, यानी ये आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं, आपको ये कॉमन एक्सपीरियंस है। इफ वी ड्रॉप ए पीस ऑफ स्टोन फ्रॉम सम हाइट, द स्टोन फॉल्स डाउन टुवर्ड्स द अर्थ, इट मीन्स सम फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। दिस फोर्स इज ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द स्टोन। दिस फोर्स इज कॉल्ड एज ग्रेविटी ऑफ अर्थ और ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एक स्टोन को ड्रॉप करोगे फ्रॉम सम हाइट तो ये स्टोन जमीन की तरफ आती है, इट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ। तो इसका मतलब है कि इस स्टोन पे कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई हुआ है जिसकी वजह से ये मोशन में आई, जिसकी वजह से ये जमीन की तरफ आई। तो इसी फोर्स को जो अर्थ इस पे एग्जर्ट करता है इस स्टोन पे, एंड इट पुल्स इट टुवर्ड्स इट्स सेंटर और टुवर्ड्स इट्स सरफेस, दिस फोर्स इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ और सिंपली ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो जब आप एक स्टोन को ड्रॉप करते हैं फ्रॉम सम हाइट से तो ये स्टोन जमीन की तरफ फॉल होता है। तो इसका मतलब है कि इस पे फोर्स अप्लाई हुआ है। तो ये फोर्स इस पे किसने अप्लाई किया, इस ऑब्जेक्ट पे, इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई हुआ वो इस पे एग्जर्ट किया अर्थ पे। तो जो फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे अर्थ एग्जर्ट करता है उसी फोर्स को ग्रेविटी ऑफ अर्थ या ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ है ये पहले इंग्लिश साइंटिस्ट जिसका नाम था इसाक न्यूटन, जिसको सर इसाक न्यूटन भी कहते हैं, ही वाज इन द गार्डन ऑफ एप्पल ट्री। वो यानी सेब के, वो अपने बाग में था जहाँ पे एप्पल ट्रीज थे। तो उसने क्या देखा, वहाँ पे अचानक एक सेब, एक एप्पल जमीन की तरह गिरा। तो वो सोचने लगा ये एप्पल जब फाल हुआ है ये जमीन की तरफ क्यों फाल हुआ, ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं चला गया। तो फिर उसने देखा कि ये एक्चुअली इस पे जो फोर्स अप्लाई हुआ है वो अर्थ ने इस पे अप्लाई किया है। तो न्यूटन ने क्या बोला, न्यूटन ने बोला कि ये इस पे जो फोर्स अप्लाई हुआ है वो ड्यू टू अर्थ है,
जिसकी वजह से ये एप्पल जमीन की तरफ गिरा, जमीन की तरफ आया। तो इस फोर्स ऑफ अर्थ को ही ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ कहते हैं या सिंपली ग्रेविटी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डेफिनेशन देते हैं ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ की। द फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट सेंटर इज कॉल्ड एज द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ। जिस फोर्स से अर्थ पुल करती है हर एक ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स इट सेंटर, इस फोर्स को ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेविटी ऑफ अर्थ, इसको ग्रेविटी ऑफ अर्थ भी कहते हैं। इट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम ए हाइट। इट इज ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ, यहाँ पे डी आई ई आया है, ये तो स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। इट इज एक्चुअली इट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ, ठीक है। आप यहाँ पे करेक्शन खुद कीजिएगा कि इट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ, ठीक। इट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल टूवर्ड्स द अर्थ मैन रिलीज इट फ्रॉम ए हाइट। चाहे हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम फॉल करेंगे फ्रॉम सम हाइट से, तो वो जमीन की तरह फॉल होता है ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ। अब हम देखते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यानी इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या अहमियत है। ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एटमोसफियर अबोव द अर्थ। ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ रेस्पॉन्सिबल है एटमोसफियर को होल्ड करने में, यानी जमीन के ऊपर जो एटमोसफियर है, जो एयर है, जो मिक्सचर ऑफ गैस है, ठीक है, तो उसको होल्ड ये ग्रेविटेशन फोर्स ही रखता है। सो वी कैन से दैट ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एटमोसफियर अबोव द अर्थ। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेन फॉलिंग टूवर्ड्स द अर्थ। ये रेस्पॉन्सिबल है, ग्रेविटेशन फोर्स ही रेस्पॉन्सिबल है फॉर द रेन फॉल टूवर्ड्स द अर्थ, ठीक। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर्स। जो ये रिवर्स में, जो दरियाओं में पानी जो बहता है, उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल है ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ ही। इट कीप्स अस फर्मली ऑन द ग्राउंड एंड हेंस वी डू नॉट फ्लोट हियर एंड देयर। ग्रेविटेशन फोर्स ही हमें ग्राउंड के साथ फर्मली बाउंड रखता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से हम इधर उधर नहीं जाते हैं, यानी हम फ्लोट नहीं कर सकते हैं। तो ये ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ की इम्पोर्टेंस है। अब इसके बाद हम देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, दिस लॉ वाज गिवन बाय न्यूटन। दिस लॉ वाज गिवन बाय न्यूटन, सर इसाक न्यूटन ने ये लॉ दिया जिसको हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन यानी एप्लीकेबल है पूरी दुनिया में, सारी कायनात, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दिस लॉ वाज गिवन बाय न्यूटन, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस लॉ को न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं क्योंकि ये इसाक न्यूटन ने ही दिया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ का स्टेटमेंट हम देखते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। स्टेटमेंट क्या है इस लॉ का? एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, हर एक ऑब्जेक्ट इस कायनात में अट्रैक्ट करता है दूसरे ऑब्जेक्ट को विद अ फोर्स, एक फोर्स है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेस। यहाँ पे याद रखना है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम।
अब हम देखते हैं इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये ला इस ला का स्टेटमेंट क्या है और कैसे हम इसको इसकी एक्सप्रेशन हम कैसे निकालते हैं। लेट अस कॉन्सिडर टू बॉडीज, हम सपोज करेंगे दो बॉडीज को, से ए एंड बी, हमारे पास दो बॉडीज हैं, ठीक, ए एंड बी ऑफ मैसेस M1 एंड M2। इस बॉडी ए का हमने मास M1 रखा और जो बॉडी बी है उसका मास हमने M2 रखा। M1 M2 का कुछ न कुछ भी वैल्यू हो सकता है, तो हम यहाँ पे सपोज करते हैं M1 एंड M2, ए बॉडी का मास है M1 और बी जो बॉडी है उसका मास M2 है। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई है, ये बॉडी ए है, ठीक है, इसका मास M1 है और ये बॉडी बी है इसका मास M2 है। और जो डिस्टेंस, दीज टू बॉडीज आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, वो डिस्टेंस हमने कितनी रखी, आर, ठीक है। तो इसका मास M1 है, इसका मास M2 है और ये आपस में ये सेपरेटेड है डिस्टेंस आर से। तो लेट दीज टू बॉडीज आर लाइंग एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ईच अदर, जो भी मैंने डायग्राम में भी आपको दिखाया कि ये दो बॉडीज ये एक दूसरे से आर डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। लेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू बॉडीज इज एफ। अब ला क्या कहता है, ये बॉडीज जो है ये आपस में फोर्स एग्जर्ट करते हैं, ठीक है। तो वो फोर्स हम यहाँ पे लेते हैं से एफ। लेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू बॉडीज इज एफ। जो फोर्स इन बॉडीज को आपस में होल्ड रखता है, ये जो इस पे एग्जर्ट होता है, वो फोर्स हम यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो हम सपोज एफ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अब हम स्टेटमेंट देखते हैं, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2। जो न्यूटन्स लॉ है, ये स्टेटमेंट क्या है उसका, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है, M1 M2, फोर्स एफ इज डायरेक्टली, दिस सिंबल इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, याद रखना एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इनटू M2, प्रोडक्ट है ना M1 और M2 मास का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2, इसको मैंने इक्वेशन वन यहाँ पे नाम दिया। और दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, जो डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है, आर स्क्वायर, ठीक है, एफ इनवर्सली 1/r², इनवर्स से हम लेते हैं 1/r², ठीक है। तो ये सिंबल यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट करता है, और इसको मैंने इक्वेशन सेकेंड नाम दिया। अब हम कंबाइन करेंगे ये दो इक्वेशन से, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2, यहाँ पे एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1 M2, ये डिवाइड बाई r², यानी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r². डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर हम मास M1 बढ़ाएंगे फोर्स भी ज्यादा बढ़ जाएगा, अगर हम M2 बढ़ाएंगे फोर्स भी बढ़ जाएगा। अगर M1 और M2 जो दो बॉडीज का मास है अगर वो इंक्रीज किया जाएगा तो फोर्स भी ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। सो इफ वी इंक्रीज वन बॉडी द सेकेंड बॉडी ऑल्सो इंक्रीज, अगर हम M1 M2 का मास इंक्रीज करेंगे एफ ऑल्सो इंक्रीज, इसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शन। और इनवर्सली का मतलब है अगर हम इन दो बॉडीज को सेपरेट करेंगे ज्यादा डिस्टेंस से, यानी हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे लेकिन एफ डिक्रीज हो जाएगा। इफ वी इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज बिकॉज दीज टू आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सी हियर दीज टू बॉडीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड दिस फोर्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2, ठीक। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास M1 M2, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो ये लॉ ही कहता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इस
इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को मैंने कंबाइन किया है, वी गेट एफ डायरेक्टली एम वन एम टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल होती है, मैं ये रिपीट करना चाहता हूँ, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल होती है इसको हटाने के लिए हम कॉन्स्टेंट ऐड करते हैं। वी टेक कॉन्स्टेंट, उस कॉन्स्टेंट को हम यहाँ पे जी लेते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसी भी इक्वेशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन सिंबल को हटाने के लिए कोई ना कोई कॉन्स्टेंट वहां पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो इस इक्वेशन में इस कॉन्स्टेंट, हाँ इस कॉन ये कॉन्स्टेंट हम जी लेते हैं। तो एफ इक्वल टू जी इंटू एम वन इंटू एम टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये जी क्या है? दिस जी इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट। इस जी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट कहते हैं। इस जी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट कहते हैं। व्हाट इज जी? दिस रिप्रेजेंट्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट। अब हम देखते हैं यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट क्या है। यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट क्या है? आपको ये इक्वेशन याद रखनी है। फिर से मैं ये रिपीट करना चाहता हूँ, एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। बिकॉज दिस इक्वेशन इज यूज फॉर सॉल्विंग नंबर ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन रिगार्डिंग दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये इक्वेशन आप यूज वहां पे करना। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। एम वन बॉडी का मास दिया होगा इक्वेशन ये न्यूमेरिकल में, एम टू का भी, आर टू ये आर का भी। तो आपको यहाँ पे जी का वैल्यू भी, आपको एफ एफ का वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, तो दिस इक्वेशन यू शुड कीप दिस इक्वेशन इन योर माइंड। नाउ यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट, अब हम देखते हैं इसके एसआई यूनिट्स क्या है। जो ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट है इसका एसआई यूनिट क्या है? फिर से ये आप देखिए इक्वेशन वही है, एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। हमें जी के वैल्यूज यानी जी के यूनिट्स निकालने हैं, तो जी हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक, जी हम यहाँ पे लेते हैं, और एफ और आर स्क्वायर ये तो क्रॉस मल्टीपल है, एफ इंटू आर स्क्वायर ये यहाँ पे आएगा और एम वन एम टू नीचे आएगा। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। तो हमें जी का ये यूनिट्स निकालने हैं, सो जी हम यहाँ पे लाते हैं, एफ इंटू आर स्क्वायर ये यहाँ पे, और एम वन एम टू नीचे आएगा। ठीक है, तो जो एफ है यहाँ पे देखिए, एफ एफ का यूनिट क्या है? न्यूटन। और जो आर है, आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। इसीलिए हम लेते हैं न्यूटन मीटर, यानी न्यूटन इज द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स एंड मीटर इज द ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस। मीटर इज द ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो फिर क्या है यहाँ पे आर, यहाँ पे क्या है एम वन एम टू। एम वन भी मास है, एम टू भी मास है। यहाँ पे देखिए तो एम मास का यूनिट है केजी, क्योंकि वो तो प्रोडक्ट में है यहाँ पे, इसलिए केजी स्क्वायर आएगा। यानी एक बॉडी का मास भी केजी है, दूसरे का भी केजी है। ठीक है, यानी कि उसका यूनिट भी केजी है, तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई करके यू गेट केजी स्क्वायर। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट। अब हम वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या होता है, यानी इसका वैल्यू क्या होता है। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए आपको क्या करना है? आपको याद रखना है, क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव है, यानी इसका वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है, वो आपको याद रखना है। लेकिन उससे पहले वो वैल्यू मैं आपको भी बताऊंगा, तब तक आप ये देखिए वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट। इफ द मास एम वन एम टू ऑफ द टू बॉडीज आर 1 kg ईच एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 m, यानी हमारे पास दो बॉडीज है, ठीक है, एम वन एंड एम टू। एम वन का भी मास हम 1 kg लेंगे, एम टू बॉडी का भी मास हम 1 kg लेंगे। यानी बॉडी ए का भी मास 1 kg है और बॉडी बी जो है उसका मास भी 1 kg है।
एंड दीज टू बॉडीज आर सेपरेटेड बाई 1 मीटर डिस्टेंस, बॉडी ए बॉडी बी, इसका मास 1 kg, दूसरे का भी 1 kg, और जो डिस्टेंस है इन दो बॉडीज के बीच वो हम 1 मीटर लेते हैं, दैट मीन्स यूनिट डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए, दस M1 इज इक्वल टू 1 kg, M2B इज इक्वल टू 1 kg एंड R इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। देन वी हैव F इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन है, ये हमें याद रखनी है, F इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर। F इज इक्वल टू G, m1 का वैल्यू 1, m2 का भी वैल्यू 1 है ना, वो अभी हमने ये आपको दिखाया, m1 का भी वैल्यू 1 है और m2 का भी मास 1 kg है, और r जो है वो 1 है, तो यहाँ पे स्क्वायर है, चूंकि r के ऊपर ये स्क्वायर है इसीलिए 1 स्क्वायर। सो F इक्वल टू G इंटू 1 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर, वी गेट एफ इक्वल टू जी। तो एफ का वैल्यू क्या आया, एफ इज इक्वल टू जी। दस द ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट जी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विच एग्जिस्ट बिटवीन द टू बॉडीज बॉडीज ऑफ यूनिट मैसेस केप्ट एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। तो जो ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट है इसका वैल्यू न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, लेकिन जब दो बॉडीज का मास यूनिट केजीज है वो, ठीक है, और जो डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज है वो 1 मीटर है। जब हम दो बॉडीज लेंगे, एक का भी मास 1 kg, दूसरे का भी मास 1 kg, और उनको हम सेपरेट करते हैं बाय डिस्टेंस 1 मीटर से, ठीक, तो उस वक्त ग्रेविटेशन फोर्स इक्वल होता है, न्यूमेरिकली इक्वल होता है, ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट इक्वल होता है ग्रेविटेशन फोर्स के बराबर। द वैल्यू ऑफ जी हैज बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली इक्वल टू 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू आपको याद रखना है, 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आई रिपीट दिस वैल्यू, 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू आपको याद रखना है क्योंकि ये हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने जो आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 था, तो ये हमने आज इसमें डिस्कस किया है ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट, इसके SI यूनिट वो भी हमने इसमें डिस्कस किया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वैल्यू आप याद रखना क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये बहुत काम आएगा। डियर स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, फी अमानिल्लाह।